लहसुन के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि ये हो रहा है कि बहुत सारे हमारे किसान भाई मंडी तक लहसुन लेके जा रहे हैं तो उन्हें किराए भाड़े तक के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं। वो तो जो कुछ अच्छी क्वालिटी के लहसुन है जिसकी पोथी बड़ी है उनके ठीक ठाक भाव मिल रहा है। इसी प्रकार की कंडीशन देखते हुए हमें ये सोचना है कि लहसुन बोए या ना बोए। तो किसान भाइयों यहाँ पर एक बात तो ये आ रही है कि पहले एक समय था जब लहसुन काफ़ी कम जगह पर बोआई जाती थी और अभी क्या हो गया कि हर गाँव में 2 या 3 शेड्यूल लहसुन बोने की अवेलेबल हो चुकी है। तो क्या होता है और फोड़ने की भी लहसुन अवेलेबल है मशीन, जिससे बहुत आसानी से काम पहले के मुकाबले आसान हो चुके हैं। और किसान भाई क्या सोचते हैं यहाँ पर बहुत सारे हमारे किसान मित्र कि चलो गेहूं लगा रहे हैं उस जगह पर लहसुन लगा ले, वो भी 4 साढ़े 4 माह की फसल है, वो भी 4 साढ़े 4 माह की फसल है, तो कहीं ना कहीं हमें गेहूं से तो ज़्यादा पैसे देकर चली जाएगी। बस एक यही सोच थी कि हमने किसान भाइयों ने लहसुन का जो रकबा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। और एक बात यहाँ पर यह भी आती है पिछले कुछ गज 4 वर्ष से लगातार बारिश काफ़ी अच्छी होती जा रही है तो हर किसान के पास पानी अवेलेबल है। पहले क्या होता था बहुत बार की बारिश कम होती थी और वहाँ पर पानी भी कम रहता था तो ये फसल का रकबा भी कम रहता था और हाथ से छुपाई होती थी तो रकबा कम रहता था, मशीन भी कम थी एक समय पर। अब ये कुछ चीज़ें साबित बढ़ गई है। अब एक बात यहाँ मैं ये करना चाहूँगा कि इससे कमाई क्यों नहीं हो रही हमारी, तो ये गेहूं से तो काफ़ी ज़्यादा बिकता है फिर हो क्या रहा है। तो किसान मित्रों यहाँ पर उत्पादन में पहले के मुकाबले गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। प्रति एकड़ बहुत सारे किसान मित्रों को 40 से 50 कट्टे का ही उत्पादन रह गया है, या कुंटल की बात करूँ तो 30 से 35 कुंटल तक ही उत्पादन रह गया है। वो तो कुछ ही किसान मित्र हैं जिनका उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और वहीं उत्पादन में मैं आपसे बात करूँ तो एक दिक्कत कहाँ आ जाती है कि बहुत सारे किसान मित्र क्या होता है कि हमने भाई मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है, 4 बीघा ज़मीन है, तो उसी एक जगह पर 1 या 2 साल तक लगातार लहसुन बो देते हैं। तो समस्या यहाँ पर यह भी आ जाती है कि एक बार जहाँ पर आपने लहसुन लगाई है उसी जगह पर उसकी जो पुरानी लहसुन वाली बीमारी रहती है वो आगामी 2 वर्ष तक वहीं पर बनी हुई रहती है। वो तो कुछ ही किसान मित्र है, हम कह दूंगा 100 में से 3 या 4 किसान मित्र कि उनकी उसी जगह पर लहसुन अच्छी हो जाती है। अन्यथा हमें क्या होता है कि जब आप लहसुन बो रहे हैं तो 1 वर्ष आपने जहां लहसुन लगा दी उस जगह को छोड़ के 3 वर्ष के पश्चात हमें वहां पर फिर से लहसुन लगाना है जिससे आपका उत्पादन अच्छा हो सकेगा। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे खर्च की बात करना चाहूंगा। तो क्या है किसान भाई, एक तो लंबी वेराइटी है जो कभी 4 महीने, 4.5 महीने या 5 महीने में भी आती है और इसमें क्या होता है लगातार जैसे कि जलेबी रोग हो गया है, फंगस हो गया है, थ्रिप्स हो गया है, इसकी बीमारी चलती रहती है और खर्च भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और पहले के मुकाबले दवाइयों का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जिससे हमारा खर्च लगातार बढ़ते जा रहा है। भाई हमारे फिर सोच रहे कि एक किसान मित्र ने वो खाद डाला, किसने बोला वो खाद डाला, तो हम लगातार खाद भी काफ़ी ज़्यादा डालते जा रहे हैं तो हमारा खर्च इसमें पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो एक वजह यह भी है कि हम उत्पादन लेने जा रहे हैं तो मुनाफे की जगह हम खर्च में ज़्यादा इसमें जो खर्चा कर रहे हैं इसमें फसल में डाल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है हमारा। अब किसान मित्रों मैं भाव की आपसे बात करना चाहूँगा। तो ये तो इस वर्ष हमें रेट कम देखने को मिला है और कुछ वर्ष में 4, 5 साल, 3 साल में हो सकता है भाव लगातार और कम देखने को मिलता है। पर यदि आपने जब उत्पादन किया है इसका शुरुआती दिनों में आपने खेत में से निकाल के रखी है तब इसका वजन भी अच्छा रहता है। यदि वहीं पर ये 4,000 रुपये कुंटल या 3,500 रुपये कुंटल बेचती है तो काफ़ी अच्छा मुनाफा देके जाती है। मैं कह दूंगा गेहूं से तो बहुत अच्छा मुनाफा देके निकल जाती है। पर अब क्या होता है बहुत बार हम तो भाई पैसे हमें ज़्यादा चाहिए तो हम स्टॉक करके रख लेते हैं और समस्या वही जा जाती है कि भाव डाउन हो गया और अब तो कुछ बच ही नहीं रहा है। अब किसान मित्रों यहाँ पर हमें करना क्या है, चलो ठीक है सारी बातें हो चुकी हैं यहाँ पर, अब हमें क्या करना है भाई, अब हम लहसुन कुल मिला के बात है कि लहसुन बोएं या ना बोएं इस वर्ष। तो किसान भाइयों की कोई सी भी फसल आप बो रहे हैं 2 साल से 3 साल से लगातार बो रहे हैं तो उसे छोड़ना नहीं है। यदि आपने 5 बीघा के लगा के रखी हुई है तो आप कम से कम इस साल विचार बना लें मुझे तो लगानी नहीं है, तो आप कम से कम 2 बीघा की तो जरूर लगाए। हो सकता है इस वर्ष भाव हो जाए, हो सकता है इस वर्ष भाव ना भी आए, तो आप अगले साल भी इस फसल को लगाना ना छोड़िए, फिर 2 बीघा की लगाइए। तो कोई सी भी फसल को लगातार आपको थोड़े थोड़े तो लगाते रहना चाहिए। मिश्रित खेती एक बोलूंगा तो आपको मिश्रित खेती जरूर करना चाहिए। आपके पास 10 बीघा जमीन है तो 2 बीघा की लहसुन लगाइए, फिर 2-4 बीघा की दूसरी फसल लगाइए, फिर 1-2 बीघा की दूसरी फसल लगाइए, एक फसल की ओर बिल्कुल भी ना भागे। इसी वजह से हमारे बहुत सारे किसान मित्रों को लहसुन में काफ़ी ज़्यादा घाटा गया। लोगों ने क्या जो 1-1 बीघा की बोते थे उन्होंने 4-4, 5-5 बीघा की लहसुन लगाई, क्या देखते हुए कि हमें नहीं नहीं गेहूं से तो ज़्यादा पैसे मिल ही जाएंगे, पर इस वर्ष क्या हुआ कि हमें जो गेहूं में पैसे बचते थे वो भी नहीं बचा पाए। अच्छा किसान भाइयों, हमने हमारे चैनल के थ्रू कुछ किसानों से वोट लिए थे कि आप इस वर्ष कितनी लहसुन लगा रहे हैं, तो जिसमें कुछ किसान भाइयों ने 35 से 40% किसान भाई है जिन्होंने कहा कि हमें तो लहसुन बोना ही नहीं है, जिसमें 15% किसान भाई कह रहे हैं कि हर वर्ष से आधी लगाएंगे, और जिसमें 25% किसान भाई है वो बोल रहे हैं कि जितनी हमने पिछले साल लगाई थी उतनी ही लगाएंगे। तो ये तो कुछ हमारा एनालिसिस था जो हमने किसान मित्रों से लिया था। किसान मित्रों हमें लहसुन में उत्पादन अच्छा लेना है या मुनाफा अच्छा करना है और तो उसमें क्या करना है, लगातार
जिस खेत में आप लहसुन बो रहे हैं, एक या दो खेत छोड़ के, वहां पर गोबरी खाद का इस्तेमाल जरूर कीजिए, जिससे क्या होगा कि उत्पादन काफी अच्छा मिलेगा हमें, उससे खेत भी भुरभुरा बहुत हो जाता है। तो किसान मित्र, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने और किसान मित्रों से साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।